हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वोल्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ की भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में काफी सारे सवाल है कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होने वाला है, दौड़ कितनी होगी, हाई जम्प क्या होगा, यानी कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और दोस्तों इस साल 2022 की ये बम्पर भर्ती होने जा रही है, जो कि आरपीएफ की तरफ से है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से है, रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से ये भर्ती की अपडेट है, जिसकी कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत करके आप सभी के लिए नई वैकेंसियों की अपडेट लेकर आते हैं, ताकि आप जो है एक सरकारी नौकरी पा सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वैकेंसी की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके, वो भी सिलेक्शन पा सके इस साल 2022 के अंदर। और दोस्तों रोजाना इसी प्रकार रेलवे भर्ती और सरकारी नौकरी की अपडेट के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई और बम्पर भर्ती की, जो निकाली जा रही है आरपीएफ की तरफ से साल 2022 की भर्ती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जिसके आधार पर हम आपको आज के इस वीडियो में वैकेंसी की अपडेट देंगे। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं, रेलवे की तरफ से ये भर्ती की अपडेट है आरपीएसएफ और आरपीएफ की। यहाँ पर जोनल वाइज कितनी कितनी वैकेंसी होने वाली है, ये सब कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। मेल के लिए कितनी वैकेंसी होगी, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी होगी, ये कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप केवल 10वीं क्लास पास है, 12वीं क्लास पास है या ग्रेजुएट पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी होने जा रही है आरपीएफ की तरफ से। पोस्ट की बात करते हैं तो कांस्टेबल की पोस्ट है, एसआई की है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। सैलरी आपको अप्रोक्स 35,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी और इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। वहीं दोस्तों यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक आपको मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर tipswarrierbus.xyz पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये ओल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको कंप्लीट अपडेट मिल जाएगी आरपीएफ की। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेलवे के जोनल वाइज आरपीएफ और आरपीएसएफ की कितनी कितनी वैकेंसी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोनल, आप देख सकते हैं कौन कौन से जोनल में कितनी कितनी वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर मेल के लिए अलग से कोटा होता है और फीमेल के लिए अलग से कोटा होता है, जिसमें आप देख सकते हैं जो वैकेंसी थी 4,400 के अंतर्गत ये वैकेंसी थी, वहीं फीमेल के लिए 4,200 वैकेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पर्टिकुलर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जैसा कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है, हर एक जोन के लिए आप देख सकते हैं वैकेंसी काफी सारी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप चेकआउट करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप दोस्तों केवल 10वीं क्लास पास है, 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास भी हैं, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 10वीं पास होती है। ठीक है, वहीं दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो कम से कम 18 है, मैक्सिमम जो है 25 साल तक का है, यह है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। वहीं दोस्तों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अलग से क्राइटेरिया है, जिसके लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाते हैं और उसके लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया भी अलग से होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग मेजरमेंट है, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए 165 है, फीमेल के लिए 157 है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर चेस्ट का भी मेजरमेंट लिया जाता है, यानी कि नाप लिया जाता है, जो कि सेंटीमीटर में होता है, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए मेजरमेंट दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल अगर आपका चेस्ट है 80 सेंटीमीटर का तो आप एलिजिबल है, और 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ में, यानी कि फुलाने के साथ में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं दोस्तों अदर कैटेगरी जो है एससी एसटी की, उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अलग अलग स्टेट्स के जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है उनका भी मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट की तैयारी आपको अभी से कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आप अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है,
वहीं दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी, जैसा कि एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया कि एज लिमिट क्या है 18 से 25 साल, और इसमें सीमा में छूट किस प्रकार है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी के 5 साल की छूट यहाँ पर है, वहीं ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से क्राइटेरिया है, तो आप एज लिमिट का भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, वहीं दोस्तों इनके आवेदन कब से कब तक चलेंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या होगी वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व के लिए 500 रुपए रहती है, जिसमें आपको रिफंडेबल भी होती है, वहीं रिजर्व के लिए जो है 250 रुपए एप्लीकेशन फीस होती है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि आरपीएफ की इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि किस प्रकार यहाँ पर चयन प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रकार का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस आपका सबसे पहले एग्जाम होता है, यानी कि सीबीडी बेस आपका एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, यानी कि दौड़ वगैरह आपसे कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फाइनली, और दोस्तों यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका सीबीडी बेस्ड एग्जाम होता है उसमें आपका किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होता है, किस प्रकार आपके सवाल आते हैं और लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, वो सारी जानकारी यहाँ पर है। और 10वीं के आधार पर ही आपका एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है 90 मिनट का समय और 120 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। वहीं दोस्तों नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं किस प्रकार आपके यहाँ पर कितने कितने सवाल आते हैं सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पर जो है सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर कांस्टेबल मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं 1600 मीटर की दौड़ होती है, मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है, और वहीं दोस्तों फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है जो कि 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होती है। लॉन्ग जंप होती है जो कि 14 फीट होती है मेल के लिए, 9 फीट होती है फीमेल के लिए। हाई जंप होती है 4 फीट मेन के लिए और 3 फीट होती है फीमेल के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार आपको फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी होगी, अगर आप ये तैयारी पूरी कर लेते हैं तो आप 100% जो है आरपीएफ में सिलेक्शन पा सकते हैं। इन तैयारियों का आपको ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर अभी से तैयारियों में लग जाए, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है फुल डिटेल्स के साथ में, आवेदन भी इसके जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ओल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट दी जा रही है, जैसे इसके आवेदन शुरू होंगे हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, जिस आधार पर आप अप्लाई कर रहे हैं जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप तैयार रखिएगा फोटोकॉपी और अटेस्टेड के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इसके कंप्लीट आवेदन शुरू होंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी देंगे, और आवेदन इसके कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे अप्लाई शुरू होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।